हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशायद में। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हों, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हों। आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? मैं मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs डाल रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आप उन वीडियोस को बार बार देखिए, रिवीजन करिए, जिससे वो आपको जो है और ज़्यादा लाभ दें। और टैट, सुपर टैट, सी टैट, UPSI और बनडे जो एग्ज़ाम हैं, SSC वगैरह, ठीक, CHSL, उन सब में ये जो है वो काम आएंगे। हाँ, आज जो है एक वैकेंसी आई है, क्या बोलते हैं, UP SSSC में, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो उसमें फॉर्म डालना चाहते हैं वो लोग उसकी भी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। और मैं आपके लिए जो है, मैंने उस दिन जब डाली थी, उसकी अपलोड की थी वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मैंने कहा था जल्दी आपकी पॉलिटी के जो है MCQ उसकी वीडियो भी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं जो हूँ आपके लिए पॉलिटी की वीडियो लेकर आई हूँ, और इसमें जो है आपका पॉलिटी के MCQs हैं इम्पॉर्टेंट, जो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ मिलेंगे। बाकी ये है कि अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को देखिए, जैसे ही इनमें से कोई एक सब्जेक्ट फिनिश होगा उसके बाद में साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी है, इनकी लेकर आऊँगी। तो ये है, आप लोग सहयोग करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन कोड। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है, ठीक है भाई। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कोई काम करेगा ही नहीं तो उससे गलती क्या होगी, ठीक है। गलती नहीं होगी तो वो कुछ सीखेगा भी नहीं, उसे अनुभव भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने गलती की, ठीक, गलती की, उसने सीख लिया कि अच्छा ये काम ऐसा होता है, तो उसे क्या हुआ, सही रास्ता भी पता लगा और उसे अनुभव भी हो गया, तो आगे वो गलती नहीं करेगा। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती ढूंढने में ही निकल जाती है। पता है, हमारे जो मतलब हम इंसान हैं, हम लोगों में जो है वो दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा दूसरों की, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है दूसरे लोगों में कमी निकालने में, उनकी गलतियाँ ढूंढने में, हालांकि वो ज़िंदगी में कभी अपनी गलती नहीं देखते कि हमने क्या किया या हमारा क्या मतलब जो है बिहेव रहा है, नहीं, वो सिर्फ दूसरों की गलती देखते हैं कि उसकी गलती मिले, उसकी कमी देखे, हम उसकी टांग खींच लें। ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा से लोग हैं, इस तरीके के लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो होते हैं तराशने वाले, वो ये देखते हैं कि सामने वाले इंसान में क्या क्वालिटी है। तो इस तरीके के लोग जो है ना, वो अपने आप में क्वालिटी वाले होते हैं, तो इस तरीके के लोग जो हैं वो कम मिलते हैं। मतलब जो तराशने वाले लोग हैं, दूसरों की खूबियाँ देखते हैं, उस तरीके के लोग कम हैं, लेकिन दूसरे की कमी ढूंढने वाले लोग बहुत हैं कि अरे उसने ये किया, उसने ये गलती की, अरे यार गलती तो उसी से होगी ना जो कुछ करेगा, जो ठलुआ बैठा रहेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, भाई वो क्या गलती करेगा, उसके पास तो बहुत अच्छा काम है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो आगे से आपसे कोई कहे कि भाई तूने ये गलती कर दी, तो कहना मैंने कुछ किया था इसलिए गलती हुई, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई, तो तुम गलती क्या करोगे, ठीक है। तो काम करो, आगे बढ़ो, ठीक है, ये नहीं कि किसी चीज़ के डर से, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे जो है वो कैसे चीज़ों का अनुभव होगा, कैसे आगे रास्ते मिलेंगे। आप गलती होने के या करने के डर से आगे ही ना बढ़ो, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो इस समय चल रहा है, मोटिवेट रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखो। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, कुछ है, आप एक कमेंट करिए, मैं तुरंत उस व्यक्ति से बात करूँगी, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ाई करिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए अच्छे से, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केस जो है कम हो रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब जल्दी ही जो है, हो सकता है एक दो महीने बाद जो है वो एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाए कंपटीशन वाले, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अपने टाइम का प्रयोग करिए अच्छे से, टाइम को यूटिलाइज़ करिए, ठीक। और फालतू लोगों, और जो फालतू के लोग हैं ना, उनसे दिमाग भी बंद मारा करिए, जो वो बोल रहा है ना, अरे बोलो भाई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों से बच के रहिए, दूर रहिए, अगर कुछ बोल रहा है ना तो बोलने दीजिए, आप बस अपने काम में मस्त रहिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बिना देर किए जो है वो अपने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली यूनिट है इसकी भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड जो है मैं थ्योरी आपको बता चुकी हूँ वीडियोज़ में, आप लोग सर्च करिएगा संवैधानिक विकास वाई स्टडी विद मुशायद, तो उसमें आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे हुआ, कौन कौन सा एक्ट आया, कौन सा चार्टर एक्ट आया, क्या हुआ, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हम देखते हैं, ये है क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीयों को जो है वो बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई थी। सबसे पहली चीज़ तो ये 1773 से जो है वो एक्ट आने शुरू हुए थे, धीरे धीरे चार्टर एक्ट बने, अधिनियम बने, और वो जाके 1935 पे जाके ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखिए। संवैधानिक विकास पे जो है मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल में पढ़ाया है, उसको जाके आप देख सकते हैं वीडियो को, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। तो जो 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम ने जो है वो विधान परिषद के कार्यों में जो है वो वृद्धि की, ठीक ठीक है, इसके तहत जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत जो है वो कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, मतलब सिर्फ जो है वो बजट पर बहस करने की अर्थात प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए थे, जब ब्रिटिश या ब्रिटेन का जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला जो है उन्होंने वो किया था, कि हाँ मतलब उसके कार्यों को मान्यता मिली थी प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से, ठीक है। तो 1773 के तहत ही जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, एक जो है परिषद बनी थी पूरी, ठीक है, और क्या हुआ था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में दैर शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है, दैर शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। केंद्र में, राज्यों में नहीं पूछ रहा है, ये केंद्र में पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि केंद्र में भी हुआ था, अब ये द्वैत शासन की बात केंद्र में कर रहा है, तो इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिए, कब हुआ था 1935 में, ठीक है, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आया था उनकी विशेषताएं कौन सी हैं, ठीक है। पहला है, देखते हैं, प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरी है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण। सबसे पहले जो बात है वो 1919 में जो सॉरी 1919 में जो आया था सबसे पहले, उसको जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। मॉन्टेग्यू जो थे वो एडविन मॉन्टेग्यू नाम था उनका, जो उस समय के भारत के सचिव थे,
और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वह तत्कालीन कौन थे, वायसराय थे। तो इस अधिनियम को जो है, मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसको है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस था, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं हम, इसका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी एक दो तीन। इसका सही आंसर कौन सा है, ठीक। सबसे पहली चीज़ इसमें ये कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये 1909 में हुआ था, ठीक है। अब ये गलत है, तो अब कौन सा सही बचा, एक और तीन। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं कि जब दूसरा वाला गलत है तो हम इनमें से किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन ए और सी में से सही आंसर चुनना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों, ये दोनों सही हैं या एक सही है, ठीक है। इसका नंबर वन देखते हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि केंद्र में जो है द्वैत शासन की व्यवस्था कब हुई थी, 1935 से, ठीक। लेकिन प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था कब हुई थी, 1919 में, यानी कि ये सही है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि एक ठीक है, अब ये ठीक है तो इसका मतलब है अब ये सही है नहीं, ये देखते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो जब द्वैत शासन की व्यवस्था हो गई तो केंद्र द्वारा जो प्रांतों को जब विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया, तो ये भी ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक और तीन, ठीक है। तो आप लोग जो है वो एलिमिनेट करने के मेथड भी मैं आपको बीच बीच में बताती चल रही हूँ, ठीक है। जब आप ये पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, ठीक है। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत शासन सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, और भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर क्या है, बता सकता है कोई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक। अब वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 123 यानी कि 123 में, ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये प्रेरित है और वर्तमान में कौन से उसमें है, 123 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया था, ठीक है, किससे हुआ? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 है, ये साधारण धारणाओं से सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या की 87 थी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय या क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म जन्म या स्थान वंश वर्ग या इनमें से कोई भी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी कंपनी के अधीन काम कर रहा है वो किसी भी धर्म जाति या कुल वंश का हो उसको जो है वो सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्या है, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं, ठीक है, किसको दी गई थीं? ऑप्शन ए संघीय 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर
जनरल को, ठीक है। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया द्वारा स्थापित हुआ था, होने वाले इस संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ठीक है। यानी कि 1935 जो है वो सबसे बड़ा अधिनियम था और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद या जो धाराएं थी वो एज इट इज़ बिल्कुल जो है हमारे संविधान में जो है वो ली गई हैं, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा जो संविधान बना है वो इसमें से काफ़ी चीज़ें उसमें से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट ऐसे इसमें से उठा लिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1935 का जब आप पढ़ें, मैंने जो डाला है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने क्या कहा था अभी कि 1935 का जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बर्मा का वाला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा, यानी कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के जो संविधान का निर्माण किया, ठीक है, का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन ने कब किया, 1942 में, यानी कि 1942 में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946, यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी 1936, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी ऑप्शन ए ने 1934 में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए पॉलिटी के इतने ही क्वेश्चंस है, बताइए आप लोगों को जो है कैसे लगे ये क्वेश्चंस। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करूँगी। आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें और सहयोग मिले। और जो है आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और हाँ कोई भी दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे इम्प्रूव करेंगे। आप लोग बताइए कि आपको और किस तरीके से चाहिए। बाकी एकदम मोटिवेट रहिए, पूरे जोश के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।